दोस्तों आज हम बात करेंगे गुजरात फ्लोरोकेमिकल के स्टॉक के बारे में। गुजरात फ्लोरोकेमिकल के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे हम। अगर यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो हम देखेंगे जो ये स्टॉक है हमको पहले यहाँ पर लगातार क्लियर डाउन ट्रेंड में देखने को मिल रहा था। पहले हमको स्टॉक में लोअर लो लोअर हाई वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा था, लेकिन फिर स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट लिया जिसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में तेजी देखने को मिली और अभी हमको जो ये स्टॉक है वो यहाँ पर लगातार इस रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब अगर यहाँ पर स्टॉक अपने इस रेंज को ब्रेक करता है देन यहाँ हमको स्टॉक में अगेन एक अच्छी तेजी एक अच्छी बाइंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। आज हमको यहाँ पर स्टॉक में अराउंड 3% की यहाँ पर तेजी देखने को मिली है। तो यहाँ से अभी हम स्टॉक में बात कर रहे हैं, यहाँ से अगर अभी स्टॉक में और तेजी आती है तो यहाँ अभी और तेजी की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 3719 का पहला यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक ने इसको ब्रेक किया देन यहाँ हमको स्टॉक में 3923 और अगर स्टॉक इसको भी यहाँ ब्रेक करेगा देन यहाँ हमको स्टॉक में अगेन एक बड़ी तेजी एक बड़ी बाइंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 4193 देन यहाँ हमको स्टॉक में 4400 और अगर स्टॉक ने इसको भी यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ हमको स्टॉक में अगेन 4600-4800 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। वहीं यहाँ से अब अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो यहाँ से गिरावट की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 3599 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक ने इसको भी यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ हमको स्टॉक में 3443 एंड देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन 3328 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं एज ए नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। धन्यवाद।